लखनऊ में आयोजित बीजेपी की एक दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश में 75 सीटें जीतने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कि 2024 के आम चुनावों में यूपी में 75 सीटें जीतने का लक्ष्य हमने रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर 8 साल पूरे होने पर बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2024 के संकल्प को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से कोशिशें शुरू करनी होंगी। कोरोना काल में सेवा कार्य, कोरोना प्रबंधन के साथ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाने का यूपी चुनाव में फल मिला। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की जमीन अभी से तैयार करनी होगी। तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को ठीक उसी तरह काम करना होगा जैसे यूपी चुनाव के दौरान किया गया। सरकार की सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम तमाम कार्यकर्ताओं को करना होगा। हर एक शख्स तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे ये भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि काशी अब पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नई अंगड़ाई ले रही है। प्रदेश में पहले लाउडस्पीकर दंगे, अराजकता और तनाव का कारण बनते थे। अब बीजेपी सरकार के सुशासन का परिणाम है कि 70,000 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं या उनकी आवाज को परिसर तक ही सीमित कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ किया कि यूपी सरकार ने संकल्प पत्र की घोषणा के अनुसार हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, महामंत्री संगठन सुनील बसंत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार, सूर्य प्रताप शाही, रमापति त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस तरह यूपी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी पूरी तरह से जुट गई थी, ठीक उसी तरह 2024 के लिए भी जमीन तैयार की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश तो दिए ही दिए, साथ ही ये भरोसा दिलाया कि विपक्ष कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, वो बीजेपी का मुकाबला 2024 के चुनाव में नहीं कर पाएगा। सरकार अपने उन तमाम वादों को पूरा करेगी जिसे लेकर वो यूपी चुनाव के दौरान गई थी, साथ ही साथ 2024 में 75 सीटें लाने के लक्ष्य को साधने की कोशिश अभी से शुरू कर दी गई है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।